तो सिर्फ मैपिंग में लोकेशन से काम नहीं चलेगा, मैपिंग में क्या होगा, और क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछने वाला है, तो सिर्फ मैपिंग में लोकेशन से काम नहीं चलेगा, मैपिंग में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सतह पर उसके महत्व पर आपको फोकस रहना है, उसके उपयोग पर आपको फोकस रहना है, तो आप इसका सबसे सही उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, पीटी में जैसे अगर हम इस बार देखें पीटी में, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मैप से बने रहते हैं। जैसे इस बार अफ्रीका की एक झील पूछा जो मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन वो कहीं मैप में नहीं, किसी भी मैप में नहीं, वो करेक्ट अफेयर में है। इसी तरह उसने केन्या या कहां का वो बीड़ी बीड़ी क्षेत्र पूछा, राइट, वो तब आप क्लियर कर पाओगे जब आपको पता हो कौन सी चीज कहां पे है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अफगानिस्तान की सीमा किससे किससे स्पर्श करती है। इसी तरह पिछले बार के भी पेपर देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां पर लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट और फिर मेंस में क्वेश्चन ये ज्योग्राफी के संदर्भ में आपको मिलेंगे। लेकिन दूसरा, जब आप आईआर का आंसर लिख रहे हो, जब आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो, खासतौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो, कहते हैं कि प्रश्न आते हैं उसके बावजूद, तो मैपिंग की समझ और वहां का आपका रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा अच्छे नंबर दिला सकता है। तो इसका एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर आपको चलना है, ये नहीं लेकर चलना है सर मैप कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो कभी भी खत्म कर लो, तो आपकी इच्छा पे फिनिश हो गया है ना, अनाज का कोई फिनिश नहीं करनी है, हर चीज कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करोगे तो थोड़ा सा ख्याल लगाना पड़ेगा, राइट, तो फिनिश और कंप्लीट अर्थ सेम होता है लेकिन उसके अलग अलग चीजें हो जाती है। तो पहले भी कहा अच्छा आदमी आपकी जिंदगी में आया तो कंप्लीट हो जाते हो, दूसरा आ जाए तो फिनिश हो जाते हो, पूरा हो जाता है ना, 3 8 अभी कंप्लीट हुई है, पहली बार फिनिश होने के कगार पे थी, है कि नहीं, तो ऑलवेज रिमेंबर कंप्लीट और फिनिश में समझो और कोशिश करो चीजों को कंप्लीट करो। ठीक, इतने क्षेत्र आपको देखने होंगे। ओके, फिर जब हम जलीय तंत्र की तरफ चलेंगे, जलीय तंत्र की तरफ यहां पर महासागर, फिर यहां पर हम एक टर्म लिखते हैं, उसको इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में उसका बहुत अच्छा शब्द नहीं मिलता है, इसलिए उसको इंग्लिश में लिखने के लिए पूछा नहीं जाएगा, बस एक एज ए कॉन्सेप्ट हमें समझना है। मेगा ओशन, जैसे सुपर कॉन्टिनेंट है वैसे ही मेगा ओशन आता है, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। फिर इसके बाद यहां पर आता है सागर, सागर, फिर इसके बाद यहां पर आता है खाड़ी, खाड़ी में यहां पर आपको 3 टर्म भी अंग्रेजी में देखने पड़ेंगे, बे, गल्फ और बाइट, अगर हम चाहेंगे थोड़ा सा तो को भी देख सकते हैं, पर इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, को, बे, गल्फ, बाइट और को, हिंदी में इन सबका अर्थ खाड़ी ही होता है, खाड़ी खाड़ी खाड़ी, लेकिन ज्योग्राफी में इनमें अंतर होता है, बड़ा अंतर होता है। फिर इसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं लैगून और चीन, दोनों एक ही साथ देखे जाएंगे, जलीय तंत्र एक साथ यहां पर हम लोग इसे देखेंगे। फिर इसके बाद जल संधि, जल संधि स्ट्रेट इसको कहते हैं, यहां पर ये ओशन सी, अब याद रखना भूगोल में समुद्र नहीं होता है, है ना, वो सुना ना 7 समुद्र पार, तो लगता है कि कुछ है, ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट जल संधि स्ट्रेट, और इसके अलावा एक और चीज देख सकते हैं नदी, रिवर, फिर और चीजें आएंगे तो उनको हम समय के साथ देख लेंगे, लेकिन इतनी चीजों के बारे में हम जिस जिस कॉन्टिनेंट में जाएं वहां जो जरूरत की चीजें हो उनको हम वहां पर देखते जाएं, हम इनकी परिभाषा को लेकर बहुत श्योर रहे तो कॉन्टिनेंट के साथ देखते जाएंगे, जहां पहली बार आएगा वहां पर हम परिभाषा पर आपसे चर्चा कर लेंगे, इतनी चीजें हमको यहां पर देखनी है, है ना। अगर आपको कभी डेटा की जरूरत पड़े लिखिए ना, अगर कहीं डेटा की जरूरत पड़ती है आप करो, डेटा की जरूरत पड़ती है तो आप एक साइट देख सकते हो worldatlas.com, रिलायबल डेटा है और आप सभी डेटा के लिए इसको देख सकते हो, यह worldatlas.com, वैसे किसी किताब की जरूरत आपको इसमें पढ़नी नहीं चाहिए, अगर फिर भी आपको लगता है कोई किताब यूपीएससी के लेवल पे पढ़नी है या कुछ समझना है तो एक किताब आती है टिक्का बाली सेखों की, ये 3 ऑथर है, टिक्का बाली सेखों, हिंदी में इनकी आप किताब का नाम बोल दोगे तो वो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगी, और आप इसे यूपीएससी के लेवल की चीजें देख सकते हो, तो टिक्का बाली सेखों की एक किताब आती है, आप उसे विश्व का प्रादेशिक गूगल बोल देंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वहां पर उपलब्ध है, वैसे कई चीजों में मैं उस किताब के रेफरेंस लूंगा तो आप उस किताब को देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं परिभाषा से, फिर वर्ल्ड मैप देखेंगे, हेडिंग लिखो पहले आप महाद्वीप, महाद्वीप कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इसमें लिखिए वृहद एवं, लिख लो फिर इसका शब्द कार्ड बता दूंगा, वृहद एवं विभक्त, भूसंहत, भूसंहत को इंग्लिश में कहते हैं लैंड मास, ये हो गया लार्ज एंड डिस्क्रीट, लार्ज एंड डिस्क्रीट लैंड मास, वृहद एवं विभक्त भूसंहत महाद्वीप कहलाती, महाद्वीप कहलाती, वृहद एवं विभक्त भूसंहत महाद्वीप कहलाती, दो टर्म है वृहद और विभक्त, वृहद का मतलब है यहां पर हम इस संदर्भ में देखते हैं कि इसकी अपनी एक टेक्टोनिक प्लेट होनी चाहिए, तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट पढ़ेंगे तो देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट होनी चाहिए और उस टेक्टोनिक प्लेट का जो एरिया है 20 मिलियन, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए,
तो वृहद इसके पास एक मेजर प्लेट अपनी होनी चाहिए, मेजर प्लेट इसकी अपनी होनी चाहिए। हम प्लेट देखेंगे आगे क्या है, हमने थोड़ा सा बताया कि स्थल मंडल कई छोटे बड़े टुकड़ों में बटा है, उन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो उसी एक भाग में ये होना चाहिए और इसका विस्तार मिनिमम 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। 20 मिलियन 2 करोड़ हो गया है ना। तो वृहद हो गया विभक्त, विभक्त का मतलब है कि यह किसी अन्य से बिल्कुल अपने स्वभाव में अलग होना चाहिए, पृथक होना चाहिए, एक अलग इसकी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए, राइट। इसकी अपनी अवस्थिति के अनुरूप में, इसके अपने वाह्य स्वरूप के रूप में इसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, उसे हम यहाँ पर विभक्त कहते हैं। भूसंहत या सामान्य स्थलखंड नहीं है, सामान्य स्थलखंड नहीं है, जो विशिष्ट स्थलखंड है उसी को हम भूसंहत या लैंड मास कहते हैं, या लैंड पीस नहीं है, या लैंड मास है, ठीक है ना। जैसे अगर आप पढ़ें मनोहर कहानियां और फिर उसके बाद पढ़ें गोदान, दोनों में साहित्य कौन है, ऐसा क्या उसमें, उसमें ये है संहत, गरुपन है, किसका, लैंड मास ही कहते हैं इसको, भूसंहत को लैंड मास। नहीं, इसका यहाँ भूसंहत ही बोलते हैं, भूसंहत बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वृहद विभक्त भूसंहत महाद्वीप कहलाती है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे क्या, लैंड मास, लैंड मास, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी पर ऐसे सात, ऐसी सात भूसंहतियों की क्या है, पहचान की गई है। तो पहले लाइन चेंज करके लिखिए, पृथ्वी पर ऐसी सात भूसंहतियों की पहचान की गई है, की पहचान की गई है, जिनका जिनका क्षेत्रफल के आधार पर, जिनका क्षेत्रफल के आधार पर, आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग, अवरोही क्रम निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, नंबर एक एशिया, अफ्रीका, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, कभी कभी हम ओशिनिया न कहके सिंपल केवल ऑस्ट्रेलिया कह देते, केवल ऑस्ट्रेलिया कह देते। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ऑब्लिक ऑस्ट्रेलिया। अध्ययन के क्रम में हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे तो सबसे सरल उत्तरी अमेरिका आता है ना, लेकिन बाद में चलेंगे। अब अगर हम यहां पर वर्ल्ड मैप देखें, अब आपके पास एक वर्ल्ड मैप बीचों बीच जो बना होगा, जिसे हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं को देखने में इस्तेमाल किया। अब इस ब्लैंक मैप के साथ उस मैप को पहचानना है। एक क्वेश्चन है कि सर जो प्रश्न नहीं आता हो उसका उत्तर नहीं लिखना चाहिए यूपीएससी में, लिखना चाहिए पर गलत उत्तर नहीं लिखना चाहिए, कम सही जरूर लिखना चाहिए, है ना। मतलब है कि आप इतना पढ़े होंगे, अगर ढंग से पढ़ लिखना पड़े होंगे तो उसके आसपास की चीजें क्या हैं आप जान रहे होंगे, गलत नहीं लिखना है, उसमें जो आपको लगता है कि सही हो सकता है उसे आप लिख सकते हो, राइट। लेकिन बिल्कुल ही कोई अंदाजा नहीं है तब तो तुक्का नहीं मारना है, लेकिन ऐसा होना होता नहीं है। जब 20 क्वेश्चन आते हैं ना तो टॉपर को भी 12-14 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो बाकी में तो अपनी योग्यता का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाँ वो गलत नहीं लिखेगा, वो थोड़ा कम सही लिखेगा ना, एग्जैक्ट चीजें नहीं आ पाएंगी। तो इसी की आपको जब आप यहाँ पे लिखते हो तो टेस्ट आपका नेट प्रैक्टिस है, इस नेट प्रैक्टिस में आपको अपनी सारी स्किल की कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है आप उसको बंद करके चुपचाप घर लिए चले जाते हो, नहीं, जो नहीं आ रहा है उसे जरूर लिखना है, सोच करके हमने क्या आप तक जाना है इसके बारे में क्या लिख सकता, तो वो भी एक प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ती है। तो लेकिन जहाँ गलत लिख दो फिर तो वहाँ नहीं लिखना है। सिंपल बात यही मानी जाती है कि अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है और आपने अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो अब आपकी कॉपी उतने कम नंबर में चेक हो रही है, आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलना। अगर आप कुछ उसके आसपास लिखते आते हो, बाय द वे आपके थॉट प्रोसेस थोड़ा भी मैच करते हैं तो आपको कुछ मार्क्स क्या है मिल सकते हैं, लेकिन ये दुधारी तलवार है, मिल भी सकते हैं और ले भी जा सकते हैं किसी में उसका मूड ऑफ हुआ तो। इसलिए उन्हीं सबकी प्रैक्टिस के लिए कोचिंग होती है कि आप उन सब चीज़ों की क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको अभी से इसकी इसका अभ्यास करना होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये वर्ल्ड मैप है, राइट। उम्मीद है जो हमने अक्षांश रेखाएं और देश, अब हमको ये सब नहीं समझना है कि ऊपर से ये चौड़ा है फिर ये तिरछा हो जाता है, ये सब नहीं समझना है, हमको इसमें सीधे कॉन्टिनेंट देखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें अपनी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर रखिए। हम सबसे पहले इधर से चलते हैं तो आप थोड़ा मैप में चेक कीजिए, यहां की तरफ ग्रीन लाइन होगा, ग्रीन लाइन, राइट। क्या इसके बगल में आइसलैंड लिखा है, तो आइसलैंड को छोड़ दो, वो इधर नहीं आएगा, ग्रीन लाइन, और इसके बाद ये पूरा एरिया और ये ऊपर का ये एरिया समझते रहिए, और यहां से ये हिस्सा और फिर ये पूरा हिस्सा, इतना ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। देखो टोटल या अमेरिका है, टोटल या क्या है, अमेरिका, राइट। अब देखो यहां पर ये एक महाद्वीप है और यहां पर ये दूसरा महाद्वीप है, जब एक से अधिक महाद्वीप एक साथ हो तो हम उसे सुपर महाद्वीप कह सकते हैं, लेकिन सुपर महाद्वीप की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति पैंजिया रही है, पैंजिया, राइट, जिसे सामान्यतः 30 करोड़ वर्ष पहले वेगनर महोदय ने बताया कि 30 करोड़ वर्ष पहले ये सब आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, उसको इन्होंने पैंजिया कहा। लेकिन वेगनर साहब के पैंजिया के पहले भी सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसे रोडिनिया कहा गया, उसके पहले भी सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया के पहले कम से कम 5 बार सुपर कॉन्टिनेंट बने और टूटे हैं, लेकिन वर्तमान के ठीक अतीत में जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसे हम क्या कहते हैं, पैंजिया, और पैंजिया के अंतर्गत ये सब आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। हम कॉन्टिनेंटल ट्रिप में देखेंगे मंडे से, टेबल स्टार वाला पढ़ लेंगे उसके बाद। यहां पर हम इसे अमेरिका सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते हैं,
जैसे हम यहां पर आगे देखेंगे, इसको हम यूरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। एक से अधिक कॉन्टिनेंट को तुम सुपर कॉन्टिनेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं। और इस अमेरिका में से यह भाग क्या है? उत्तर में है, इसलिए यह क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। राइट, अमेरिका के संदर्भ में यह उत्तर में है, इसलिए उत्तरी अमेरिका। यहां पर विषुवत रेखा का हम संबंध नहीं देखते हैं, अमेरिका सुपर कॉन्टिनेंट के उत्तर का भाग है, इसलिए यहां पर उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास उत्तरी अमेरिका। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है राजनीतिक स्थिति और एक होती है भौगोलिक स्थिति। राइट, तो भौगोलिक स्थिति हम ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिजिकल लोकेशन हम देखें कि वह कहां अवस्थित है, तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में भौगोलिक रूप में अवस्थित है, भूगोल के संदर्भ में अवस्थित है। लेकिन आप देखोगे तो इसके नीचे यहां पर डेनमार्क लिखा होगा। राइट, तो इसका जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड इसको यहां स्वायत्ता वगैरह सब मिली है, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है, जो इसका राष्ट्राध्यक्ष है, वह डेनमार्क, जो यूरोप की एक कंट्री है, यहां पर डेनमार्क का राजा या रानी होता है। तो इसलिए राजनीतिक रूप में यह कहां की कंट्री हुई? यह यूरोप की कंट्री हुई। लेकिन भौगोलिक या भौतिक रूप में यह कहां की कंट्री है? नॉर्थ अमेरिका की कंट्री के रूप में यह मानी जाती है। ठीक है ना, नाम है केवल ग्रीनलैंड, यह बिल्कुल व्हाइट है क्योंकि यहां ग्लेशियर बहुत ज्यादा है। यहां पर नॉर्वे का एक राजा युद्ध हार गया, और जब युद्ध हार गया तो उसको अपने कुछ साथियों के साथ नाव में बैठकर यहां से भागना पड़ा, और यहां से जब भागा तो जाके एक निर्जन द्वीप में जाकर के रुका। उसके और सैनिकों ने बड़ी मेहनत से अपने आप को यहां धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया, लेकिन केवल वही कुछ लोग थे, 50-60 लोग। उनको लगा और लोगों को कैसे बुलाया जाए, बोले लोग तब आएंगे जब इसका नाम अच्छा हो, तब उसको व्हाइट लैंड कहे तो कोई आता है ना, तो उसका नाम रखा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के नाम से इसको प्रचारित करना शुरू किया। ये नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया गया इसका नाम है, बाद में युद्धों में यह डेनमार्क के अधीन आया। राइट, तो यहां पर यह ग्रीनलैंड याद रखिएगा कि राजनीतिक रूप में डेनमार्क का है, लेकिन भौगोलिक रूप में यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। यह हो गया नॉर्थ अमेरिका, आज यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन पहले सारा देख लें नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री क्लियर हुई। राइट, अब आप थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका में यहां पर आओगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कैरेबियन सी। यहां देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देखो कैरेबियन सी होगा, कैरेबियन सागर। यहां पर कुछ द्वीप होंगे, द्वीप का मतलब ऐसे स्थल भाग जो चारों तरफ महासागरीय जल से घिरे हों, जो चारों तरफ महासागरीय जल से घिरे हों उनको क्या कहते हैं? द्वीप। हम आगे देखेंगे कौन द्वीप सबसे बड़ा और छोटा, आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर में जो द्वीप स्थित है उनको कंबाइंड रूप में कैरेबियन द्वीप समूह कहते हैं। चूंकि ये यहां से हमारी जाती है ये जीरो डिग्री यानी उत्तर जाती है, और ये जीरो डिग्री यानी उत्तर के पश्चिम में है, इसलिए इनको हम पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह। और पश्चिमी द्वीप समूह के नाते इनको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, वेस्ट इंडीज। राइट, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है लेकिन उसकी क्रिकेट टीम है। ठीक है ना, यह यहाँ के कई द्वीपों का क्या है? एक समूहन है। राइट, तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। उसके नीचे जो यह आपको दिख रहा है यह साउथ, ये कहलाता है साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका और दूसरा कॉन्टिनेंट यहाँ पर साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका के बगल में यहाँ पर देखोगे तो एक द्वीप और मिलेगा, इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड। देखो यहाँ पर दिया है, इंपॉर्टेंट है ये फॉकलैंड, और यहाँ लिखा होगा यूके, यहाँ लिखा होगा यूके। राइट, अब यह वह द्वीप है जिस पर यूके का नियंत्रण है, और चूंकि यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है अर्जेंटीना, यह अर्जेंटीना के पास है, यहां पर मत्स्य क्षेत्र है, यहां पर पेट्रोलियम है, इसलिए इस फॉकलैंड को लेकर दोनों देशों में संघर्ष चलता रहता है। दो युद्ध हो चुके हैं, दोनों युद्ध में अर्जेंटीना हार चुका है। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखना जैसे यहां वेस्ट इंडीज है वैसे यहां पर क्या है? फॉकलैंड है। ठीक, वेस्ट इंडीज में कई द्वीप समूह है, अलग अलग देशों का अलग अलग नियंत्रण है, आगे देखेंगे। फिर जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर हमारे पास जो महाद्वीप मिलता है वो महाद्वीप है यहां पर अफ्रीका। अफ्रीका कहां से कहां तक, ये थोड़ा ध्यान रखना आप अपने मैप में। जब आप ऐसे आओगे यहां तो इसके साथ जो अंदर की लाइन आ रही है उसे ही आपको पकड़ना है, बस ये अंदर की लाइन जो आ रही है। राइट, क्योंकि अंदर की लाइन और फिर इधर से शुरू होगा एशिया और बीच में होगा रेड सी, लाल सागर। और ध्यान से देखोगे तो यहां जो दो लाइन जा रही होगी, एक अफ्रीका वाली और एक एशिया के अरब पेनिनसुला की, इनके बीच में ऐसे एक ट्रायंगल बना होगा, छोटा सा ट्रायंगल होगा। राइट, यह है सिनाई प्रायद्वीप। जब चारों तरफ जल से घिरा होता है तो उसे द्वीप कहते हैं, जब तीन ओर से जल से घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। बस अभी सुनते जाना, इसे हम बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। यह अफ्रीका का पार्ट है लेकिन भौगोलिक रूप में एशिया में स्थित है। सिनाई प्रायद्वीप आप याद रखेंगे, यह है मिस्र का ही भाग है लेकिन ज्योग्राफिकल रूप में किसमें आता है? एशिया में आता है। तो यहां पर एक ट्रायंगल आप याद रखिएगा, और फिर यहीं पर हम कभी लौट के आएंगे जब अफ्रीका प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, यहीं पर स्वेज कैनाल मिलेगी हमको, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नहीं कब कर, हाँ तो क्या बोल सकते, तो वहां पर उससे जुड़ा नहीं है ना, सिनाई तो हमने जबरदस्ती जोड़ लिया है ना। तो यहां पर क्या है? ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, तो यहां पर आगे कभी पढ़ेंगे स्वेज कैनाल। अफ्रीका की पोजीशन क्लियर हुई। फिर इसके बाद जब अफ्रीका के ऊपर देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी होगा, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक, अब यहां से लेके इधर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरा, यहां से अफ्रीका के बाद इधर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरा जो है ये क्या है? यूरेशिया। ये है पूरा, पहले ध्यान रखो यूरेशिया। राइट, हेरोडोटस एक बड़े विचारक हुए हैं, कई सब्जेक्ट्स को उनकी कमांड रही है, उन्होंने कहा था कि यूरोप और एशिया जुड़वा बहने हैं, उन्हें पृथक रूप से देखना उचित नहीं है। लेकिन यूरोप और एशिया में खासतौर पर यूरोप के लोग इसको एक पृथक रूप में ही देखना पसंद, उन्होंने पसंद किया, क्योंकि उनका मानना था कि एशिया एक पिछड़ी हुई व्यवस्था है और यूरोप का उससे कोई मुकाबला नहीं है, यूरोप आगे का है। और उन्होंने खासतौर पर यह माना, यहां पर एक सी होता है, अभी मैं देखो आगे देखेंगे, एजियन सी, एजियन, और एजियन के आधार पर माना जाता है कि इसे एशिया कहा गया, एजियन सी के आधार पर माना जाता है कि इसे एशिया कहा गया। तो है ये यूरेशिया पूरा, लेकिन यहां पर कुछ क्षेत्र हैं, जैसे यहां पर एक आ जाता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के ऊपर यहां पर एक यूराल पर्वत है और उसके साथ नीचे एक यूराल नदी है। अभी आप इसे समझ लीजिए, वहां पर देख लो मैप में, यहां कैस्पियन सी है उसके ऊपर बस, नहीं तो आप यहां बता रहा हूं उसे देखें आप, यहां पर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, लेकिन याद रखना ये सी नहीं है, ये झील है, लेक है। राइट, इसको सी क्यों कहते हैं आगे सब देखेंगे। फिर इसके बाद यहां आता है ब्लैक सी, ब्लैक सी ये सी है, ये सागर है, ये सागर नहीं है। याद रखो हम उसी जलीय तंत्र को सागर कहेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी महासागर से जुड़ा। अगर आप सागर में जाएं तो नदी को छोड़कर, अगर आप सागर में जाएं तो आप उससे होते हुए महासागर में आसानी से पहुंच जाएं, तभी वह जाकर के सागर है, अन्यथा वह झील है। राइट, काला सागर जो है, काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है।
अगर आप काला सागर में जाएंगे तो भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक में चले जाएंगे, लेकिन आप कैस्पियन सागर में जाएंगे तो कहीं किसी महासागर में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कैस्पियन सागर अपने जल की विशालता के कारण सागर के रूप में जाना गया। यह सागर नहीं है, यह झील है। इसी तरह यहां आगे पड़ेगा एक और देखेंगे, अरल सागर, अरल सागर राइट, वह भी झील है लेकिन वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण काफी सूखा है। वह एक तरह से कहा जाए कि डेजर्ट के बदलने की कंडीशन है, यद्यपि उसके रिस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। इसी तरह यहां पर जब हम आएंगे जहां सिनाई पेनिनसुला है वहां पर जब आएंगे तो वहां पर एक यहां पर डेड सी है, डेड सी मृत सागर, वो भी सागर नहीं है, वो भी झील है। तो तीन सी है मोटे तौर पर जो सी नहीं है, एक है डेड सी, एक है कैस्पियन सी और एक है अरल सी। ओके, आगे देखा जाएगा। तो यहां काला सागर, इसके बाद एक पर्वत आता है काकेशस और इधर भूमध्य सागर। इतने हिस्से के सहारे इसके पश्चिम का भाग यूरोप हो जाता है और पूर्व का भाग एशिया हो जाता है। याद रखेंगे अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर, फिर यूरोप, यूराल पर्वत, यूराल नदी, काला सागर, काकेशस पर्वत और भूमध्य सागर के सहारे इसे इधर पश्चिम भाग यूरोप और पूर्व का भाग एशिया हो जाता है। इसके बाद फिर जब हम नीचे चलते हैं तो यह पूरा क्षेत्र क्या है, ओशिनिया है, ओशिनिया। अब देखो क्या है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक भाग नीचे तस्मानिया है, मैं देख रहा हूं। इधर भी नीचे जाओगे तो न्यूजीलैंड है, नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाओगे तो न्यूजीलैंड है। फिर यहां तीन द्वीप हैं, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, इनको कंबाइंड रूप में कहा जाता है ओशिनिया। ये देखो समझो, यहां पे ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ नीचे न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के साथ माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। नहीं दिया है, नहीं दिया, मतलब देख लो बस, आगे हम जब ऑस्ट्रेलिया बताएंगे तो वहां पे आ जाएगा। एक आइडिया आपको बस, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड और इसी हिसाब से आप एक जगह एम लिख लो, एम आई एम ई पी ओ लिख लो, आइडिया रहे जिससे राइट। तो यहां पर ये तीन द्वीप समूह है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये कंबाइंड रूप में कहलाते हैं ओशिनिया। क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, द्वीपीय महाद्वीप है, इसलिए हम ओशिनिया के बजाय नॉर्मल टर्म में किसको यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आपको यहां पर ऑस्ट्रेलिया सातवें सबसे छोटे महाद्वीप के रूप में दिखाई पड़ता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन द्वीपों को मिलाकर यहां पर ओशिनिया बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, महाद्वीप। इन महाद्वीपों में अब हम आज से एक महाद्वीप स्टार्ट करेंगे जो होगा उत्तरी अमेरिका, सरलतम से थोड़ा सा कठिन की तरफ जाएंगे। अब आप अपने एटलस में एक जो कॉन्टिनेंट है उनमें थोड़ा ढूंढो, कहीं पर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। एक अब पेज नंबर जरा दिखाने वाले दो, आप पेज नंबर 82, इस वाले में पेज नंबर 82-83, पेज नंबर 82-83। अब एक बात देखो, यहां पर जब भी हम कोई महाद्वीप देखेंगे या कोई कंट्री देखेंगे तो उसके हमेशा दो मैप होंगे। एक मैप होगा जिसे हम प्राकृतिक या भौतिक कहेंगे, प्राकृतिक या भौतिक, इसको नेचुरल या नॉर्मली हम इसको बोलते हैं फिजिकल, और दूसरा होता है राजनीतिक। अब यहां इसको लेकर ना परेशान होना कि सर राजनीतिक क्या है और राजनीतिक क्या है, ये राजनीति विज्ञान में पूछना। तो प्राकृतिक, भौतिक और राजनीतिक दोनों मैप दिख रहे हैं आपको, दो तरह के मैप होंगे। प्राकृतिक या भौतिक में आप देखोगे इसमें केवल प्राकृतिक भू आकृतियां दी होंगी, प्राकृतिक भू आकृतियां, नेचुरल लैंडफॉर्म्स, प्राकृतिक भू आकृतियां। भू आकृतियां क्या होती हैं, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप में निर्मित, प्राकृतिक रूप में निर्मित त्रिविमीय संरचनाएं, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप में निर्मित त्रिविमीय संरचनाएं भू आकृतियां कहलाती हैं। त्रिविमीय होगी ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई गहराई, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर निर्मित प्राकृतिक त्रिविमीय संरचनाएं, कोई भी लैंड फॉर्म होगी तो दो चीज उसमें होती है, एक होती है मास और दूसरी होती है एनर्जी। आपको समझ आया ना, एनर्जी होती है उसके अंदर, राइट। तो हम लोग बात समझ पाया, मुद्दा है। तो प्राकृतिक या भौतिक मैप में आपको प्राकृतिक भू आकृतियां दिखाई पड़ेंगी, मानव निर्मित कोई भी चीज वहां पर नहीं होती है ना, ये मेजर चीज। राजनीतिक के अंतर्गत हम राष्ट्र राज्य और उनकी सीमाएं पढ़ते हैं, राष्ट्र राज्य व उनकी सीमाएं, हाँ उनकी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए जिन भू आकृतियों का उपयोग होता है वो यहां प्रदर्शित की जा सकती हैं। जैसे कोई नदी होगी, जैसे कोई झील होगी, इन रेयर केसेस अगर कोई पर्वत वगैरह भी उनकी सीमा प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें भी शो कर सकते हैं, लेकिन प्रायः नदी और झीलों के सहारे ही सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो राष्ट्र राज्य व उनकी सीमाओं का विवरण दिया होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप खुद देखें तो एक में आपको पर्वत, पठार, नदी, झील सब मिलेगा, लेकिन आप दूसरा देखेंगे तो वहां पर महाद्वीप में आपको विभिन्न देश मिलेंगे, पॉलिटिकल वाले में देखोगे, राइट। अब देखो क्या है, बस थोड़ी सी बात यहां देखेंगे मोटे तौर पर, ये हम आपको ज्योग्राफी के टर्म में ही आपसे बात कर रहे हैं, आप में कोई लोग अगर पीएसआईआर वाले हो तो बैठ के उसमें बहस मत करना, बस ये समझ लेना मोटे तौर पर। ऐसे लोगों का समूह जिनकी साझी, मतलब कॉमन, ऐसे लोगों का समूह जिनकी या जिनका साझा अतीत, जिनकी साझी संस्कृति, जिनका ऐसा साझा अतीत होता है जो गर्व करने लायक होता है, और वे किसी साझे राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं, उन्हें राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र के लिए भूगोल की जरूरत नहीं है, राष्ट्र हृदय में रहता है और वही उन्हें एकता के सूत्र में लोगों को क्या कर देता है, बांध देता है, राइट।
लेकिन अगर एक राष्ट्र के रूप में हम जाएं और हमारे पास भूभाग नहीं है तो शायद हमारे राजनीतिक अधिकार भी ना हो। इसलिए राष्ट्र, हर राष्ट्र राज्य बनना चाहता है। राज्य क्या है? राज्य वो है जिसका अपना भूगोल हो, मतलब उसके पास अपना भूभाग हो, राइट, जनसंख्या हो, सरकार हो और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता अन्य नहीं होती, राइट, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वह अपने आंतरिक निर्णयों आज को लेने के लिए किसी और के लिए बाध्य नहीं है मोटे तौर पर। तो हर राष्ट्र राज्य बनना चाहता है, लेकिन अगर आप राज्य बन गए और आपके लोगों में एकता नहीं है तो वह राज्य विखंडित होता रहेगा। इसलिए हर राज्य राष्ट्र बने रहना चाहता है और हर राष्ट्र राज्य होना चाहता है। तो जिन्हें हम आज देश कहते हैं, वास्तव में मोटे तौर पर सब क्या है? राष्ट्र, राज्य है, नेशन स्टेट है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना तो वेस्टफेलिया की संधि पढ़ना तो उसके बाद आगे चीज आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, जैसे मोटे तौर पर देखो भारत राष्ट्र भी है और राज्य भी। सोचो मॉडर्न इंडिया में राजा राममोहन राय तक को भी अगर सुधार करना पड़ा तो उन्हें भारतीयों को उनका अतीत याद दिलाना पड़ा। राष्ट्रवाद लाने के लिए क्या बार बार याद दिलाना पड़ा? अतीत, अतीत ही हमको बांध देता है आज भी। आपस में लड़े और कहते हैं भारत माता की जय, सब छोड़ रखा भारत माता की जय, ना, यही हमको एकता का सूत्र बांध। और दूसरा हमारे पास क्या है? निश्चित भूगोल है। अब पाकिस्तान को ले, वही सबसे पास ही है। तो अगर हम उनको ले तो पाकिस्तान राज्य तो है, राष्ट्र बन रहा है, हम कहते हैं राष्ट्रवाद तकनीकी रूप में। लेकिन अगर हम उसे कहें सन 1945 तो कहां है? भारत में, है ना। उसे अपने अतीत, साझे अतीत को ढूंढने के लिए कुछ और तर्क करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ देखें फिलिस्तीन राष्ट्र है, राज्य के लिए क्या है? बेचैन चल रहा है, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, राइट, इन दो प्रकार और चीजें उसे चाहिए। लेकिन अमूमन आज हम जिन्हें भी देश कहें वो मोटे तौर पर क्या है? राष्ट्र, राज्य। तो अब दो मैप यहां पर होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और भौतिक और दूसरा होता है यहां पर राजनीतिक। इसमें भी नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहले आप राजनीतिक मैप को देखें, इसे समझना हमें पहले जरूरी होगा। देखो किसी भी कॉन्टिनेंट को देखने के लिए कौन से स्टेप हम यहां पर अपनाएंगे, तो पहला स्टेप जो होगा, जब भी कोई भी आप कॉन्टिनेंट देखें पहले उसके राजनीतिक विभाजन को देख लें, पहले राजनीतिक विभाजन को देख लें। एक सामान्य सी चीज जो आपको खुद भी करनी पड़ेगी, उसके देश और कम से कम उसकी राजधानी, और जो राजधानी आपको याद ना हो रही हो समझिए एग्जाम में वही आएगी। तो राजनीतिक विभाजन देखेंगे, देश और राजधानी पहले अच्छे से आप सारे देख। अगर कोई राजनीतिक विभाजन है कि किसी क्षेत्र विशेष को कुछ और कहा जाता हो तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम चलेंगे, अब जितने भी ये है या जो महाद्वीप है हम देखेंगे कि उसकी अंतिम सीमा कहां से है। आपके मैप में अंतिम सीमा पिंक डॉटेड लाइन से शो की गई होगी, पिंक डॉटेड लाइन से। जैसे आप नॉर्थ अमेरिका देखें तो यहां पर एक पिंक डॉटेड लाइन है, यहां पर एक पिंक डॉटेड लाइन है, और इसके बाद यहां नीचे देखोगे एक नीचे जहां पर पनामा सिटी क्या है वहां पर पिंक डॉटेड लाइन है, दिख रही है ना। तो ये यहां पर यह इसकी सीमा है, इसके बाद दूसरे कॉन्टिनेंट क्या है? स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। फिर सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे जल संधियां, कौन सी प्रमुख यहां पर जल संधि पाई जाती है? स्ट्रेट पाई जाती है। फिर तीसरी चीज, जो प्रमुख द्वीप होंगे, प्रमुख द्वीप देखने होंगे। चौथी चीज, प्रमुख खाड़ियां और सागर, बाकी जो करंट अफेयर में कहीं कुछ हो जाए वो आपका फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे राजनीतिक विभाजन, देश राजधानी, देश राजधानी आप भी देख लेंगे, हम लोग चर्चा कर लेंगे केवल, जल संधि लिखेंगे प्रॉपर, द्वीप देखेंगे जो जरूरी है, और फिर उसके बाद खाड़ियां और सागर, ये मेजर है। यहां से कभी भी मैचिंग या करंट अफेयर में जो घटना होती है वहां से आ जाएगी। जब हम बाहर देख लेंगे तब हम अंदर चलेंगे, और जब हम अंदर चलेंगे तब हम यहां पर फोकस करेंगे पर्वत, पठार, झील, नदी, और फिर इसके बाद हम देख सकते हैं खासतौर पर जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो है आर्थिक संसाधन। यहां से मेंस में क्वेश्चन बनता है आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक से ज्यादा जरूरी मेंस के लिए कॉन्टिनेंट के आर्थिक संसाधन। हाँ क्या हुआ? द्वीप और कैसे उच्चा हो जाएगी, कौन से महाद्वीप? वो द्वीप जाते सी लेवल से ऊपर है भाई, आप सारी ऊंचाई कहां से आते हो? सी लेवल से। महाद्वीप यहां है, महासागर यहां है, द्वीप यहां है, तो कैसे डूब जाएगा जबरदस्ती? अपने हिसाब से द्वीप सकती हो क्या? अगर इनके ऊपर से जाएगा तो ये डूब जाएंगे, है नहीं? तो आप ऐसा मत समझो, देखो ऐसा मत समझो कि यहां आप किसी को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ऐसे ज्वार आएगा तो डूब जाएगा, भाटा निकल जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एलिफेंटा द्वीप है, जाओगे मुंबई से थोड़ी दूरी पर तो ज्वार भाटा में रोज एलिफेंटा को डूब जाना चाहिए था, रोज निकलना चाहिए था, है ना। ये सब सी लेवल से क्या है? ऊपर। अगर ढाने को उतारो तो कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहां पर आइए, राइट, इतनी चीजें हमको देखनी है। तो हेडिंग लिखो, अब लिखिए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। देखो वैसे सी लेवल लगातार बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ने में कई द्वीप क्या हैं? डूब ही रहे हैं, और मालदीव में तो काफी हद तक चांस है कि जल्दी ही डूबेगा। और जब डूबने की बात हो रही है तो चाइना ऑलरेडी मालदीव से दोस्ती करके वहां पर अपने नवल बेस की तैयारी कर रहा है कि हम अपना नवल बेस रख लेंगे, है ना। इसी संदर्भ में भारत मालदीव को सारी संभव सहायता दे रहा है, हम तो तुम्हारे बिल्कुल पड़ोसी ही हैं, है ना। और इसको शो करने के लिए कि हम डूब रहे हैं, महासागर के अंदर एक जगह गिरी फिसू है, गिरी फिसू में जाकर के कई नेताओं ने वहां पर पार्टी टाइप की आयोजित की थी कि आने वाले समय में हमारे साथ ये होने वाला है, दुनिया को हमें बचाने के प्रयास करने चाहिए। जैसे ऐसे इसके अलावा एक और भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्वीप आया था न्यू मोर, फिर वो डूब गया, नो मोर, अब नो मोर है, है ना। तो यहां पर जितने भी आप द्वीप देख रहे हो तो ये सब मानो सी लेवल के क्या है? ऊपर है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा का प्रभाव होता है, इतना नहीं होता कि अंदर तक के पूरे द्वीप को क्या करेगा, डूबो करके लेता जाएगा, उसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों तक सीमित होता है ना। उत्तरी अमेरिका, इसमें पहले हेडिंग एक
राजनैतिक विभाजन, देखो राजनैतिक विभाजन, इसमें लिखे पहले कुछ पॉइंट कुछ इंट्रो लिख लें फिर आगे बात करते हैं। लिखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में स्थित स्थित महाद्वीप है, महाद्वीप है जो विश्व के, जो विश्व के कुल भूभाग के, भूभाग ब्रैकेट में लैंड एरिया जो स्थली भाग है, विश्व के कुल भूभाग के 16.5% 16.5% भाग में विस्तृत है, या 16.5% में विस्तृत है, ये भी लिख सकते भूभाग के 16.5% में विस्तृत है। इसकी इसकी कुल जनसंख्या, इसकी कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 7.5% है। लैंड एरिया 16.5 और पॉपुलेशन 7.5% है। अब भारत से तुलना करो, भारत को कितने भूभाग का है, अब कॉन्टिनेंटल देश की तुलना नहीं हो सकती, फिर भी मैं एक सघनता के रूप में अगर देखा जाए तो भारत 2.45 है ना, और जनसंख्या लगभग 18% है, 17.6 के आसपास, लगभग 18% है, तो मोटे तौर पर इतना एक कॉन्टिनेंट में रहता है, उतना तो हम अपने यहाँ रखते हैं, है ना। और खासतौर पर जब संगम वंगम का जब मेला लगता है, उतने लोगों को तो हम 2-4 घंटे में नहला के भेज देते हैं, है ना। तो ये एक अद्भुत देश है, हमेशा याद रखो जब भी कोई कॉन्टिनेंट पढ़ो, कोई कंट्री पढ़ो, उसकी कोई भी चीज़ पढ़ो, तो कोशिश करो उसके इंडिया के साथ क्या कर सको, एक कंपैरिजन, राइट। आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कई चीज़ें कनेक्ट करने में क्या होगी सुधर। अब जैसे आप कहेंगे कि भारत एक उपमहाद्वीप कहने का अधिकारी क्यों है, तो हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा कई कॉन्टिनेंट का है, अपना अकेला डेटा हो तो हम कहेंगे ना कि यहाँ जनसंख्या जनघनत्व उतना है जितना एक महाद्वीप का होना चाहिए, राइट। अगर हम यहाँ के कहा जाए कि तटरेखा की देखें, भारत की तटरेखा की देखें, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी देखें, भारत की बायोडाइवर्सिटी देखें, यहाँ के भाषा समूह देखें, भारत के भाषा समूह देखें, राइट, इस तरह से अगर हम सोचें तो हमेशा तुलना कर लेंगे कि इंडिया में बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं जो एक महाद्वीप में होनी चाहिए, लेकिन केवल मार्क्स में खा जाता है, पहले भी कहा आकार में, आकार छोटा हो जाता है, वो उतना बृहद नहीं है जितना कि महाद्वीप होने चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ों में अक्षांशी देशांतरी विस्तार तक भी देख लो, जितना बड़ा ये यूके है ना, उतना बड़ा तो अपना थार का मरुस्थल है ना, जितना वहाँ रहता है थार का मरुस्थल उतना कितना निपटाए रहते हैं, नहीं अपना मरुस्थल भी विश्व का सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी और जनघनत्व वाला मरुस्थल है, मतलब देखो तो हैरानी की बातें आपको कहीं पर दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो आप अगर ये तुलना करते रहोगे तो इन तुलना के सहारे कई बार ऐसे भी प्रश्न हल होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता है लेकिन आप जान सकते हो, सबसे प्राचीनतम भी भारत में है तो सबसे नवीनतम भी है, अरावली भी है तो हिमालय भी है, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करते रहोगे और उस कंपैरिजन की आदत शुरू से ही पढ़नी चाहिए, कई बार कंपैरिजन एब्जर्ड भी होंगे कि सर महाद्वीप और देश की क्या तुलना, लेकिन एब्जर्ड कंपैरिजन भी करने चाहिए, उससे भी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन कंपैरिजन आपको हमेशा करना है जैसे आप चीजों में समझ आपकी ज्यादा डेवलप हो सके, राइट। और कंपेरेटिव स्टडी जैसे ही क्वेश्चन को पूछता है, जैसे जब एक क्वेश्चन पूछ लिया इस बार कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के बावजूद भारत में खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों, राइट, तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड में और कौन कौन थे, उनका जीडीपी में क्या हिस्सा है अपने खनन उद्योग में, और तब कहोगे ना कि हाँ भारत का उतना नहीं है, आपको वहां क्या जीडीपी में खनन उद्योग का हिस्सा नहीं पता है, तो तुलना कैसे करोगे, फिर तुलना करके आप अपनी बात को आगे बता सकते हो। तो मैपिंग सिर्फ ये नहीं पढ़नी कि जिसको पढ़ रहे हो उसी को पढ़कर छोड़ दिया, नहीं, उसकी आप अन्य क्षेत्रों के साथ जैसे जैसे आपकी समझ बढ़े उसको आपको कंपेयर भी करना है, ठीक है ना। कुछ कर लिखे प्रश्न कर दो, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित राजनैतिक विभागों में बांटा जा सकता है, राजनैतिक विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक एंग्लो अमेरिका, नंबर एक एंग्लो अमेरिका, इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, कनाडा शामिल किए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा शामिल किए जाते हैं। यह अंग्रेजी भाषा बहुल क्षेत्र है, अंग्रेजी भाषा बहुल क्षेत्र है, यद्यपि कनाडा में, कनाडा में फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है, या कनाडा में फ्रेंच भी बोली जाती है, कनाडा में फ्रेंच भी बोली जाती है। अब देखो आप यहां पे, अगर हम यहां नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं तो यहां पर ग्रीनलैंड को लास्ट में लिखेंगे। अब यहां सामने देखो अपने मैप में, ये कनाडा है, कनाडा, और इसके नीचे है यूएसए। अब ये कलर देखो आप, और सेम कलर यहां पर है, राइट, यहां पर। और अगर मैप में ना दिया हो तो भी आप याद रखिएगा, इधर पैसिफिक में हवाई द्वीप है, पैसिफिक में एक एरिया यहां पर हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप भी यूएसए का पार्ट है। यूएसए के कुल 50 राज्य हैं जिसमें 48 राज्य मुख्य भूमि पर हैं, 49वां राज्य अलास्का है और 50वां राज्य हवाई द्वीप है। अलास्का रूस का भाग था, इसे फिर संधियों के द्वारा प्राप्त किया गया, राइट। तो आप याद रखेंगे कुल 50 राज्य, 48 मुख्य भूमि पर, 49वां अलास्का और यहां पर हवाई द्वीप 50वां। हवाई द्वीप की जो कैपिटल है वो होनोलुलु है,
कैप्टन होनोलुलु है और दिया नहीं होगा ध्यान रखो, और इसे इसे पैसिफिक प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है राइट, पैसिफिक की अपनी लोकेशन के कारण। जब बड़ा वाला मैप देखो उसमें शायद दिया होगा हवाई द्वीप, फुल वाला मैप देखो, फुल वाला जो फुल वाला मैप है। अब उसमें पहले नॉर्थ अमेरिका पहचानो कहां है, और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में देखो प्रशांत में होगा, पहले नॉर्थ अमेरिका तो पहचानो। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना, नहीं मिला, डुप्लीकेट मैप तो नहीं है, मिला कि नहीं मिला, थोड़ा दूर हट जाना है उससे, उससे थोड़ा दूर हट जाना, मिला, होनोलुलु लिखा है नहीं लिखा है, हा? तो होनोलुलु ध्यान रखना, चलो शांत हो जाओ, शोर मत करो। अब ये बात इतनी से ध्यान रहेगी, यहां पर अभी कुछ बातें लिखा देंगे इसमें। अब एक बात थोड़ा सा समझो, थोड़ी सी बात आपको यहां पर समझनी होगी। अगर हम यहां पर, अगर हम यहां पर वर्ल्ड मैप देखते हैं तो इधर यह मान लो नॉर्थ अमेरिका है और इधर हमारे पास यूरोप है, यही है ना, और बीच में अटलांटिक महासागर है। थोड़ी सी बात जाननी जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यूरोप में एक दौर में ऐसा था जब सबको पता था कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए यूरोप में जो चर्च था वो किसी को अटलांटिक महासागर की तरफ नहीं जाने देता था, मानता थी कि अगर आप जहाज से जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, दोबारा नहीं आ पाओगे, है ना। फिर यहां पर कुछ चीजें हुई तो यहां पर धीरे धीरे जानकारी आई, उसे उस दौर को कहा जाता है पुनर्जागरण राइट। यहां पर लगभग 1545-53 के आसपास एक विद्वान हुआ, उसका नाम था कोपरनिकस, और कोपरनिकस ने जब चीजों को देखा तो उसने बताया पहली बार, पहले तो चर्च कहता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चर्च का यह मानना था कि जिस धरती पर ईसा मसीह पैदा हुए हों वह किसी की परिक्रमा कैसे कर सकती है राइट, इसलिए सूर्य परिक्रमा करेगा, और यह मानता था कि जो मानव का जन्म हुआ है वो उसके पाप के कारण हुआ है, तो मानव पापी है, तो मानव पराक्रम नहीं दिखा सकता, मानव केवल चर्च की परिक्रमा करेगा। लेकिन जब यहां पर कोपरनिकस ने देखा, अपने दूरबीन वगैरह बहुत सारी चीजें करके कैलकुलेशन किए, तो उसने कहा उल्टा चल रहा है कुछ, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और सूर्य स्थिर है, तो उसने कहा यहां पर हेलियोसेंट्रिक वर्ल्ड है, मतलब सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है, उसका यह स्टेटमेंट था सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है। और जब चर्च को पता चला तो चर्च ने बोला इधर क्या बोल रहे, नया नया सीखे हो, तो जब वो जा रहा था चर्च की तरफ तो उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा देखो तुम चर्च से जा रहे हो, अपनी सारी बात वापस ले लो, नहीं तो मैं चर्च जिंदा जला देगा, क्योंकि ब्रूनो वगैरह ने कुछ कहा था सत्य बातें, तो चर्च ने उसे जला दिया था। तो ये गया, उसने चुपचाप कहा हुजूर मैंने कुछ कहा ही नहीं, सारी चीज वापस, और पृथ्वी की इतनी गुस्ताखी वो परिक्रमा करे ना, सूर्य ही करता है, बात तो दब गई। लेकिन धीरे धीरे जब एक बार अगर शंका के बीज बो दिए जाएं तो फिर बहुत तेजी से फलीभूत होते हैं, तो लोगों के मन में होने लगा कि कहीं कुछ सही तो नहीं है, और लोगों ने खोज की, और फिर इसी आधार पर सूर्य केंद्रित विश्व की अवधारणा सामने आई, और इसीलिए कोपरनिकस के इस विचार को कोपरनिकन रिवॉल्यूशन, कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है राइट। अब जब क्रांति होने लगी बीच में तो धीरे धीरे लोग इधर जाने लगे, और जब इधर जाने लगे तो पहले लोग जो कोलंबस वगैरह थे, आना तो उनको बार बार की तरफ था, पहले रास्ता भटक गए, तो पहले साउथ अमेरिका पहुंचे थे राइट। फिर उसके बाद और लोग पहुंचे तो नॉर्थ अमेरिका की तरफ गए, और एक था अमेरिको वेस्पुग्गी, उसने अच्छे से यहां पर सर्वेक्षण किया और उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा, अमेरिको वेस्पुग्गी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। अब यूरोप में जो कोई भी विद्रोह करता, चाहे वो यूके में हो, यूनाइटेड किंगडम में या फ्रांस में, उसको यहां देश निकाला दे दिया जाता था, जाओ तो अमेरिका में रहने के काबिल हो नहीं दुनिया में। तो यहां पर जितने बड़े बड़े अपराधी थे सब आ गए, नंबर एक सब नंबर वन थे अपने में, जितने अच्छे अच्छे विचारक यहां की व्यवस्था के खिलाफ बातें बता रहे थे उनको निकाल दिया गया, यहां विचारक भी नंबर वन चले आए। यहां पर जिन लोगों को, जो पादरी जो बड़े बड़े थे उनका चर्च पे कब्जा था, छोटे पादरियों को बेचारों को कुछ मिलता नहीं था, तो वो सोचे कि यहां मरना सच्चा है, चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे दोस्त गए बिना भगवान के गए हैं, तो वो भी चले जाएंगे अपने भगवान को लेकर। फिर यहां धीरे धीरे कुछ व्यापारी पहुंचे, कुल मिला के सबसे पहले इस अमेरिका के इस वाले नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में यहां पर सबसे पहले जितने भी नंबर एक टाइप के लोग थे यहां पहुंचे, और उन्होंने यहां पर धीरे धीरे यहां के जो स्थानीय लोग थे उन पर अत्याचार किया, उनको दास बनाया, उनको धमकाया, मारा, भगाया, और करते करते यहां पर इन्होंने कई छोटे छोटे क्षेत्रों का क्या कर लिया, विकास कर लिया, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, जी जान लगा दिया, और इन्होंने इस क्षेत्र को बिल्कुल आबाद कर लिया। जब इस क्षेत्र को आबाद कर लिया और ये खबर खासतौर पर यूके के लोगों के पास पहुंची, राजा के पास पहुंची, तो इसको याद आया कि ये लोग तो हमारे हैं भाई, तो वहां से तुरंत प्रतिनिधिमंडल भेजा गया कि तुम तो हमारे बिछड़े भाई हो, तुम क्या कर रहे हो यहां पे, इनको भी अपने देश की तो याद आती थी, पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने किस्सा सुना था कि हम कहां के हैं और क्या थे, इनको लगा कि इन लोगों को हमारी याद आई है, इसलिए हम इनके साथ हम मित्रतापूर्वक रह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यूके के लोगों ने यहां के लोगों पर कब्जा करना शुरू किया, इनको अपना उपनिवेश मानना शुरू कर दिया, और चूंकि यहां से नंबर एक के लोग थे, इसमें नंबर एक के विचार कभी पीढ़ी दर पीढ़ी आए थे, उनको लग गया कुछ गड़बड़ चल रही है, उन्होंने यहां के लोगों को जगाया कि तुम भाई मानो हो, तुम गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारे अधिकार हैं, इन्होंने अधिकार मांगने शुरू कर दिए। इन्होंने इनसे कहा कि आप लोग अपना गवर्नर जनरल हमारे पास भेजते हो, सब कुछ करते हो, हमको भी कुछ सीट अपनी संसद में दे दो, जिससे हम अपनी समस्याओं को क्या करें उठा सकें। इन लोगों ने कहा बेवकूफ हो, तुम तो हमारे मतलब उपनिवेश हो, तुम्हें कैसे अधिकार मिल सकता है। तब यहां के लोगों को असलियत पता चल गई, तब यहां के लोग खड़े हुए और एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर दें। यहां के राजा को बातचीत पता चली, राजा चिल्ला उठा विद्रोह है, बगल में मंत्री खड़ा था, नहीं क्रांति है सर ये तो। और फिर जब यहां एक बार विद्रोह का स्वर जो उठा, फिर वो विद्रोह का स्वर उठता गया, यहां के राजा ने लॉर्ड कार्नवालिस के नेतृत्व में सेना भेज दी कि जाओ ये विद्रोह दबा दो। 4 जुलाई 1776 को एक बैठक हुई और विद्रोह शुरू हो गया, कार्नवालिस भेजा गया कि जाओ इसे दबा दो, और इधर इन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को अपनी सेना का मुखिया बना दिया। जॉर्ज वाशिंगटन मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, उसके इरादे अलग थे, और ये भाड़ी की सेना लेकर पहुंचा था, और हुआ वही, अत्यधिक संसाधनों वाली सेना को संसाधनों से भी वाशिंगटन की सेना ने जी भर के परास्त किया, घाटियों में हराया, मैदानों में हराया, इतना छकाया कि अल्टीमेटली इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। कार्नवालिस भाग के यहां गया, जब यहां गया तो उसको डांट के कहा गया तुम भारत जाओ, और कार्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेज दिया गया। और उसके बाद कार्नवालिस ने जो भी भारत में किया वो यही सोच के किया कि हम ब्रिटेन में सिद्ध कर सकें कि मैं नकारा नहीं हूं, इसलिए उसके बाद भारत में जो हुआ आप यहां की घटनाओं के साथ सोचेंगे। यहां पर जब ये कब्जा हो गया तो उनके हाथ से अमेरिका निकल गया, मतलब ये वाला हिस्सा निकल गया, जब ये वाला हिस्सा निकल गया तो संसाधन उनके पास कम होने लगे, तब उन्होंने पूरा ध्यान कहां पर लगा दिया, भारत पर लगा दिया। यहां की स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ी हद तक
अगर ये उनके पास होता तो शायद उधर थोड़ा कम ध्यान लगाते, राइट। लेकिन यही हुआ। अब यहाँ जो छोटे छोटे राज्य बने थे वो आपस में क्या हुए, एक देश के रूप में आए, तो देश का नाम क्या रखा जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में यूनाइटेड हुए स्टेट, राइट, अमेरिका में यूनाइटेड हुए स्टेट। और फिर यहाँ पर संघीय शासन वगैरह ये सब आप आगे कहीं पढ़ोगे। इसका मतलब यहाँ पर है कि जो हम आधुनिक अमेरिका हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम यूएसए है, एक्चुअली अमेरिका में एक छोटा सा देश यूएसए, लेकिन इसका सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव इतना ज्यादा है कि जब भी हम सिर्फ अमेरिका कहते हैं तो कौन जानता है, यूएसए, ये इसके प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जब युद्ध हो रहा था 1776, उसके पहले थोड़ी सी बातें भी ध्यान रखो, उसके पहले अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों को जी भर के हराया था, और वांडीवास का युद्ध 1760 में हरा करके पांडिचेरी की ईंट से ईंट बजा दी गई थी, पांडिचेरी यहाँ पे इनका अपना था सब कुछ, और हार करके वहाँ पर काउंट डी लैली को वापस फ्रांस भेजा गया, उनका जो गवर्नर था, और बहुत बुरी हाल हुई, फ्रांसिसियों का भारत से सूर्य अस्त हो गया, फ्रांसिसी तन्हाए बैठे हुए थे कि मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमें बताएंगे। और जब 1776 में ये वाली क्रांति हुई तब फ्रांसिसी भाग किन के पास आया, आई विल हेल्प यू, ये बोले मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बोले तब भी करेंगे, और इन्होंने इनकी यहाँ पे हेल्प की, और पहले तो फ्रेंच थे ही, लेकिन जब हेल्प की तो उस हेल्प के कारण इन्होंने इनका एहसान माना और कनाडा के कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसी बस्तियां बसी, इसलिए कनाडा में हमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अभी भी यहाँ मिलते हैं। क्यूबेक वगैरह यहाँ के बहुत पुराने शहर हैं जिन्हें हम फ्रेंच सिटी भी कहते हैं, और उन्हीं फ्रांसीसियों ने अपनी मित्रता के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था। वो कई डिपो में बंद होकर आई थी, बाटपोल्टी नामक एक वास्तु दुकान ने बनाया था और आई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो सेट नहीं हो पा रही थी, उन्होंने लगा दिया, वो फिर लेके आया कि हम लगा के मानेंगे, और उन्होंने यहाँ पर लगाया, इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांसीसियों द्वारा यूएसए को दिया गया अनचाहा उपहार भी कहा जाता है। नहीं चाह रहे थे जबरदस्ती वो सेट करके गए, और अब वो पहचान है वहाँ की, जब भी देखो कोई आपत आती सबसे पहले क्या गिरती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और थोड़ा उसे ध्यान से देखना, हाथ में मसाल है, संविधान मतलब किताब है, और पैरों में उसके बेड़ियां टूटी हुई पड़ी हैं, राइट, पैर में बेड़ियां हैं वो टूटी हुई पड़ी हैं, जो कि यह प्रतीक है कि एक मानव दूसरे मानव को गुलाम नहीं बना सकता, स्वतंत्रता की मसाल जलती रहेगी और मानव अधिकार इसमें निहित है, राइट, पहला लिखित संविधान कहते हैं यहाँ पर निहित है। वो कई तरह के यहाँ पर कहा जाए कि उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और यहाँ पर यह जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क वाले क्षेत्र में वो स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा आगे आप पढ़ोगे तो कुछ चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। तो है यह मुख्यतः अंग्रेजी भाषी, लेकिन यहां पर कनाडा में फ्रेंच भी बोली जाती है, ठीक है, पहला विभाजन ये हो गया। अब दूसरा विभाजन जो देखेंगे, पहले नीचे मैक्सिको को छोड़ के देखेंगे, यहां मैक्सिको के बाद देखो यहां पे कुछ देश हैं, उनके नाम देखो पहले, जैसे बेलिज, बेलिज मिला, इनके इनकी राजधानी की भी मैचिंग कभी आ सकती है, ध्यान रखना बेलिज। फिर उसके बाद नीचे क्या है, ग्वाटेमाला, बगल में ग्वाटेमाला, बेलिज की कैपिटल है बेल्मोपैन, और ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला के नीचे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की कंट्री, ओ सॉरी कैपिटल सैन सल्वाडोर, फिर ऊपर होंडुरास, उसकी कैपिटल टेगुसिगाल्पा, फिर निकारागुआ, निकारागुआ की मानागुआ, फिर कोस्टारिका, कोस्टारिका की सैन जोस, और फिर नीचे पनामा, पनामा की पनामा सिटी। नंबर दो लिखो इसमें, नंबर दो, सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत, इसको हम सेंट्रल लिखेगा हमेशा, सेंट्रल मत मत लिखेगा इसको, इसको सेंट्रल लिखेगा, सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत, या सेंट्रल अमेरिका करके, सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत निम्नलिखित देश शामिल है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक तरफ लो देश, एक तरफ लो राजधानी। कनाडा की राजधानी उम्मीद है पता होगी ओटावा, और यूएसए की राजधानी तो पता ही होगी वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देश और राजधानी, तो पहले लिखो बेलिज, बेल्मोपैन, दूसरा है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, सल्वा है सल्वाडोर, फिर है निकारागुआ, इसकी है मानागुआ, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, कोस्टारिका, सैन जोस, सैन जोस, फिर पनामा, पनामा सिटी, ये सेंट्रल अमेरिका है याद रखना। नेक्स्ट लिखिए पनामा, पनामा सिटी, नेक्स्ट लिखिए मिडिल अमेरिका या मध्य अमेरिका, इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, मिडिल अमेरिका, होंडुरास लिखा क्या, प्लीज लिख लो, सॉरी होंडुरास लिखो, होंडुरास, टेगुसिगाल्पा, प्लीज एक लिख लो, होंडुरास, टेगुसिगाल्पा, होंडुरास, टेगुसिगाल्पा, लिखे मध्य अमेरिका, ब्रैकेट में जरूर लिखना मिडिल अमेरिका,
इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मैक्सिको, इसके अंतर्गत मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, तथा कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में स्थित स्थित द्वीप समूह शामिल हैं, स्थित द्वीप समूह शामिल हैं। सारे देश नहीं देखने हैं, मुख्यतः 13 देश इसमें शामिल होते हैं, पर ये आपके लिए जरूरी नहीं है। दो चीज यहां पर देखनी होगी आपको, जो मेजर चीज है। अच्छा, एक पेज आप थोड़ा पलटो, जहां पर एक पेज और आगे जाओ अपने मैप में, जहां पर पोलिटिकल मैप हो, एक पेज और पलटो, एक पेज नहीं और पलटना पड़ेगा लगता। पेज नंबर 87 देखो, पेज नंबर 87 आप देखो, पेज नंबर 87 लिखा होगा सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। 87 में आप देखिए सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज 87। अच्छा, हिंदी में 76 देख लो। अब देखोगे यहां पर तो जो कैरेबियन द्वीप है, यहां पर मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड है जो द्वीप यहां छोटे बड़े हैं। एक है ग्रेटर एंटलीज, देखो यहां पर नीचे लिखा होगा ग्रेट एंटलीज या ग्रेटर एंटलीज, और उसके बाद नीचे ऐसे करते हुए नीचे तक आया होगा लेसर एंटलीज। दोनों वहां पर दोनों मिले, ग्रेटर एंटलीज और लेसर एंटलीज, विभाजन और भी है, लेकिन ये दो प्रमुख यहां पर विभाजन है। जब हम मिडिल अमेरिका कहते हैं, तो मिडिल अमेरिका में ये सेंट्रल अमेरिका प्लस मैक्सिको प्लस कैरेबियन द्वीप समूह के देश, जिन्हें वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, वहां देखो वेस्ट इंडीज लिखा होगा। और इसका दो सबसे बड़ा डिवीजन जो है वह डिवीजन है यहां पर ग्रेट एंटलीज या ग्रेटर एंटलीज, और इधर क्या है लेसर एंटलीज, ठीक है ना। और इसी में सबसे बड़ा जो द्वीप आता है वो आता है क्यूबा, क्यूबा देखो वहां पर क्यूबा, उसकी कैपिटल हवाना, इसे हम एंटलीज का मोती भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है, विशिष्ट है, इसलिए इसको एंटलीज का मोती भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बात लिखिए, उसके बाद उसी में आगे बढ़ा लो। वेस्ट इंडीज कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप समूह आते हैं, इन्हें कैरेबियन द्वीप समूह, इन्हें कैरेबियन द्वीप समूह अथवा वेस्ट इंडीज कहा जाता है, अथवा वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः दो भागों, ग्रेटर और लेसर, ग्रेटर और लेसर एंटलीज में, एंटलीज में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यहां क्यूबा, क्यूबा सबसे बड़ा द्वीप है जिसे एंटलीज का मोती कहा जाता है। यहां चीनी उत्पादन की अधिकता के कारण इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, तो यहां पर पहले तीन डिवीजन आ गए। पहला हो गया एंग्लो, हमने देख लिया एंग्लो अमेरिका, दूसरा हो गया सेंट्रल अमेरिका, और तीसरा हो गया यहां पर मिडिल अमेरिका। अब देखो, एक डिवीजन जो अब यूज नहीं होता है, पहले ज्यादा यूज होता था, उसे हम बोलते हैं मीसो अमेरिका। लिखना नहीं है, बस ध्यान रखना है, मीसो अमेरिका, मीसो अमेरिका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मिलाकर यूज होता था। मीसो अमेरिका जो टर्म था वह मैक्सिको और पूरा सेंट्रल अमेरिका, लेकिन अब बड़ा टर्म यूज होता है मिडिल अमेरिका, जिसमें मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका प्लस कैरेबियन आइलैंड्स, राइट, कैरेबियन आइलैंड्स या वेस्ट इंडीज, कैरेबियन द्वीप के कारण कैरेबियन आइलैंड, और चूंकि यह 0 डिग्री यानोत्तर, प्रधान यानोत्तर के पश्चिम में है, तो वेस्ट इंडीज, राइट। और इंडोनेशिया द्वीप समूह को हम क्या कह सकते हैं, ईस्ट इंडीज या वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। ये जो पुर्तगाल के, स्पेन के, नीदरलैंड के और यूके आदि के जो सेलर आए, उन सेलर्स ने ये नाम दिया। वो पहले व्यापार ईस्ट के साथ करना चाहते थे, और जो इंडोनेशिया वगैरह है वहां के व्यापार के लिए जाते थे, वो ईस्ट इंडीज था इनके लिए, राइट। लेकिन रास्ते में भारत पड़ गया और भारत इनको बहुत कुछ मिल गया, तो फिर यहीं उतर। और जब ईस्ट इंडीज इधर है, तो जब इन्होंने खोज की उधर, तो उन्होंने उसी से अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या बोल दिया, वेस्ट इंडीज, राइट। आपको पता ही होगा कि कोलंबस निकला था भारत के लिए, और जब इधर पहुंच गया तो उसने सबको इंडियन ही कहा,
रेड इंडियन, इंडियाना, हर जगह उसने इंडियन जोड़ दिया उठा के, राइट। इसलिए जब वास्को डी गामा निकला है 1498 में, तो उसने हमेशा किनारा ही पकड़ा, उसने कभी किनारा छोड़ा नहीं, क्योंकि कोलंबस ने किनारा छोड़ दिया था, उसका कंपास कट गया, वो निकल गया कहीं और, तो उसने बस समझ लिया कि हमें कुछ नहीं करना, और वह यूरोप से निकला और अफ्रीका का किनारा पकड़ते पकड़ते आया और वो पहुंच गया। फिर उसके बाद तो कहानी बदल गई। तो इसलिए वेस्ट इंडीज कहलाता है क्योंकि प्रधान यानोत्र के पश्चिम में द्वीपों का समूह है। ठीक, अब एक पॉइंट जानते हो लेकिन लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीनलैंड वाला, तो लिख लो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, किंतु राजनैतिक रूप में यह यूरोप के देश डेनमार्क का भाग है। एक चीज और नीचे स्टार बना के लिख लो, इससे थोड़ा अलग है लेकिन ध्यान रहेगा तो जरूरी है। इसमें लिखिए लैटिन अमेरिका के अंतर्गत मध्य अमेरिका मतलब मिडिल अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका शामिल है। यह भौगोलिक अभिव्यक्ति न होकर भाषाई अभिव्यक्ति है। इन क्षेत्रों में लैटिन भाषा से उत्पन्न स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब भी लैटिन अमेरिका टर्म आएगा तो मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड जो कि हमारे मिडिल अमेरिका है, प्लस पूरा साउथ अमेरिका, राइट। क्योंकि यहां पर कोलंबस वगैरह सबसे पहले साउथ अमेरिका ही पहुंचे, फिर इन लोगों का ज्यादा व्यापार यही होता स्पेन और पुर्तगाल वगैरह का। स्पेन साउथ अमेरिका से बड़ी मात्रा में गोल्ड लेके गया है, लेकिन इसी कारण वहां मुद्रा स्फीति की स्थिति बिगड़ गई। पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड ये सब बहुत आगे थे ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में नए देशों की खोज करने और वहां नियंत्रण करने में, और बाद में आने के बावजूद ग्रेट ब्रिटेन ज्यादा बेटर कर पाया। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक खोजें फ्रांस में हुई, लेकिन उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन लेके आया, और उसका मुख्य कारण यही था कि ब्रिटेन का प्रगतिशील समाज, प्राकृतिक संसाधन, खोजें सब व्यर्थ हैं अगर आपका समाज प्रगतिशील नहीं है, आपकी विचारधारा प्रगतिशील नहीं है। उनकी प्रगतिशीलता ने इनको बहुत आगे पहुंचा दिया। तो यहां पर ये पूरे क्षेत्र जो थे स्पेनिश और पुर्तगाली, एक मोटे तौर पर अगर हम समझ लें थोड़ी सी बात, जैसे आपको पता है यूराल क्षेत्र में एक लोगों का समूह रहता था, जनसमूह था, और वो एक भाषा बोलता था। उस भाषा को अब कहा जाता है भारोपीय भाषा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और ये मैक्स मूलर ने यह थ्योरी दी कि यहां के लोग यहां से ईरान आए, ईरान से एक शाखा यूरोप की तरफ चली गई और एक शाखा भारत की तरफ चली आई। जो भारत की तरफ चली आई कहते हैं बाद में वही आर्य और संस्कृत, और जो इधर गई वो जर्मनी के लैटिनम प्रदेश में पहुंची, और लैटिनम प्रदेश में जो भाषा स्थानीय के साथ विकसित हुई वो लैटिन भाषा हुई, और वही लैटिन भाषा से फिर स्पेनिश, पुर्तगाली, पुर्तगाली ये भाषाएं आई। इसलिए वो देश जहां लैटिन भाषा से आई भाषाएं बोली जाती हैं उनको लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। यह भौगोलिक नहीं, यह भाषाई और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो ये हमारे पास यहां पर इनका यह पॉलिटिकल डिवीजन हो गया, और इस पॉलिटिकल डिवीजन को आपको याद रखना है। स्टार्ट करके एक दो बातें और लिख लें यहां पर टेक्निकल चीजें। पनामा कैनाल से अलग नहीं होते, पनामा देश के बाद अलग होते हैं, वहां गल्फ ऑफ डेरियन है उसके साथ, है ना। यहां पर जब आप आ जाओगे तो गल्फ ऑफ पनामा, इधर गल्फ ऑफ डेरियन, उसके सहारे अलग होते हैं, ठीक है ना। कैनाल थोड़ा पहले बनी हुई है, उसके बाद तक पनामा का विस्तार है ना। लिखिए यहां पर स्टार रखिए एक बात, देखिए 100 डिग्री वेस्ट याम्योत्तर, 100 डिग्री वेस्ट याम्योत्तर उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य से गुजरती है। अब यहां पर ध्यान रखना ये वाली लाइन, आप अपने मैप में भी देखो तो इधर 120 बना होगा, और थोड़ा आगे जाके देखोगे तो 90 बना होगा। जरा ध्यान दो, जो ऐसे लाइन खींची है यहां पर ध्यान दोगे तो 180 आ जाएगी, यहां पर 150 आ जाएगी, यहां पर 120 और यहां पर 190, ठीक है, सॉरी 90, ये दिखाई पड़ी। और इन्हीं 120 और 90 के साथ यहां 100 डिग्री आएगी, 100 डिग्री यहां पर देखो ये वैल्यू दी हुई है 180, 150, 120 और इधर 90, है ना। और इसी के बीच में 100 आएगी, वो लगभग क्या है, इसके बीचों बीच से गुजरती है और इसे दो भाग में क्या करती है, विभाजित कर देती है। तो एक यानोत्तर ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी अक्षांश रेखा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं गई है। अब यहां ध्यान दो आप, जैसे यहां पर ये कनाडा है, कनाडा के साथ यहां पर एक ऐसे लाइन गई है, फिर ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई इधर,
कुछ झीले वीले बनी हुई है और ऐसे करके ये आ गई, ये दिख रही है? यहां पर जो यह स्टार्ट होती है अक्षांश रेखा, यह 49 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ यह कनाडा और यूएसए को अलग करती है। लेकिन आगे जाने पर यहां पर देखो पांच झील मिल रही है कि नहीं, ये जो पानी भरा है ये सब झील है, नीला नीला गीला गीला पानी जो देखो, लेक सुपीरियर दिख रहा है ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। तो कनाडा और यूएसए की सीमा दो चीजों के साथ तय होती है, एक 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और उसके साथ ये पांच झीलें, पांच झीलों को महान झीलें कहा जाता है, राइट। अभी कौन का नाम, इनका नाम महान झीलें लिखेंगे, जब झील देखेंगे तब विस्तार में लिखेंगे। यहां एक स्टार ना क्यों लिखे, कनाडा और यूएसए की सीमा, कनाडा और यूएसए की सीमा 49 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ समानांतर, अक्षांश रेखा को पैरेलल लिखते हैं, 49 डिग्री नॉर्थ समानांतर और महान झीलों द्वारा, और महान झीलों द्वारा निर्धारित होती है। लिखना उसी के आगे, लेकिन पहले देख लो, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया और फिर यहां से एक लाइन जो जा रही है, इससे हो जाता है नीचे क्या, मैक्सिको, जो पूरा ग्रीन है नीचे मैक्सिको, ठीक है। अब देखो यहां एक चीज लिखी है, लोअर कैलिफोर्निया, याद रखना दो कैलिफोर्निया है, एक ऊपर भी है देखो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में है और लोअर कैलिफोर्निया, इसको बाजा कैलिफोर्निया भी कहते हैं, बाजा कैलिफोर्निया। एक चीज और देखो, इसी लाइन के ठीक ऊपर न्यू मैक्सिको है, न्यू मैक्सिको है, न्यू मैक्सिको कहां है, यूएसए में, और मैक्सिको मैक्सिको में है ना। तो इन नाम से मत कंफ्यूज होना, कई बार गड़बड़ होती है। अब यहां पर जो सीमा बनती है यूएसए और मैक्सिको के साथ, उसके लिए यहां पर आपके वाली एक नदी देखिए बस, वो है रियो ग्रैंडे। यहां देखो, यहां पर बिल्कुल रियो ग्रैंडे, यहां पर देखो रियो ग्रैंडे, यह यहां ऊपर वाले क्षेत्र से निकलती है, आती है और करके फिर यहां आगे देखेंगे, जब नदी देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, हाँ यही यही यही, नहीं ये वाला पूरा एरिया जुआरेस, जुआरेस से लेकर रिवर वाले क्षेत्र तक, यहाँ एक टनल बनी हुई है एक्चुअली, जिससे लोग अवैध रूप में क्या है आते जाते हैं, तस्करी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ये यहाँ पर ये समझ लो कि जितने बड़े विश्व के ड्रग्स और ये सब के स्मगलर हैं सब यहीं से जाते हैं, और यहीं थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इसी के साथ एक एरिया पड़ता है लास वेगस, लास वेगस हर तरह के उल्टे सीधे चीजों का क्षेत्र, विश्व के सबसे बड़े कसीनो आपको कहाँ मिलेंगे, लास वेगस में, हर तरह का अपराध सब कुछ, लेकिन एक बहुत लेविस लाइफ है ना, ये लास वेगस बड़ा फेमस, आएंगे बड़ा आएंगे, आगे बन जाओगे तो जा भी सकते हो, ये लगा फिर उसके बाद तिहाड़ में बैठे हुआ लास वेगस के बाद तिहाड़, उसी आगे लिखना, ठीक है, यूएसए, यूएसए और, यूएसए और मैक्सिको, मैक्सिको की सीमा का निर्धारण, का निर्धारण रियो ग्रैंडे नदी द्वारा, रियो ग्रैंडे नदी द्वारा होता है। बाउंड्री में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यहीं से पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा कुछ, ये हो गया। अब हमने इसका पॉलिटिकल अभी जो जरूरत है उतनी हमने कर ली, जब आर्थिक संसाधन देखेंगे तब हम इसके अंदर चलेंगे। अब हम इसके पहले बाहर के एरिया को देखें और उसमें हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा यहां से स्ट्रेट या जलसंध। तो अब एक हेडिंग लिखो आप, जलसंध, हम नॉर्थ अमेरिका की जलसंधियां देखेंगे स्ट्रेट। अब एक दो बातें यहां पर आप समझो, पहले ये मान लो एक स्थल भाग है, ये एक लैंड पोर्शन और ये एक दूसरा स्थल भाग है, और ये महासागरीय क्षेत्र है, और यहां से जो जगह छूटी है दोनों के बीच यहां पानी बह रहा है, और ये महासागरीय भाग। तो जो यह जल का प्रवाह है, जो प्राकृतिक रूप में जल का प्रवाह है, जो इन दोनों के बीच है, यह क्या कर रहा है, दो काम, इधर के जल और इधर के जल को जोड़ रहा है, नाम ही है क्या जल संधि, जल जोड़ेगा, और दो स्थलीय भागों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें मोटे तौर पर, यह एक डमरू की तरह का है, बन रहा है ना, ऐसे डमरू बना दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, और ये डमरू के बीच का क्षेत्र है, और ये डमरू जल से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, जल डमरू मध्य, जल के डमरू का मध्य का भाग, तो इसे या जलसंधि कहते हैं या जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होगी कि यह दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को अलग करता है, राइट। इसमें लिखो जलसंधि या जल डमरू मध्य, जलसंधि या जल डमरू मध्य, मध्य जल का, जल का प्राकृतिक, प्राकृतिक सकरा मतलब नैरो संकीर्ण सकरा प्रवाह होता है, सकरा प्रवाह होता है जो दो जलीय तंत्रों को, जो दो जलीय तंत्रों को जोड़ता है तथा दो स्थलीय भागों को, दो स्थलीय भागों को पृथक करता है, दो स्थलीय भागों को पृथक करता है। जब इसकी चौड़ाई
अधिक होती है। अब इसमें कोई मान नहीं दिया कि कितने मीटर होनी चाहिए, किलोमीटर होनी चाहिए। जब इसकी चौड़ाई अधिक होती है तब इसे चैनल कहा जाता है, चैनल, वाटर चैनल, तब इसे चैनल कहा जाता है। जल संधि को पैसेस के नाम से भी जाना जाता है, कुछ जगह पर इसे पैसेस कहा जाता है, पैसेस के नाम से भी जाना जाता है, पैसेस, रास्ता। अब देखो क्या है, यहां चैनल कितने किलोमीटर की चौड़ाई होनी चाहिए नहीं दिया गया है। ये ज्योग्राफर वहां के कार्य विशेषताओं को देखकर तय करते हैं कि इसे स्टेट की श्रेणी में रखा जाए या चैनल की श्रेणी में। ऐसा कोई यहां पर विशेष रूप में मानक नहीं है कि जिसमें हम इसका चैनल और स्टेट में बताएं कि इतने मीटर होगा तो स्टेट है, इतने मीटर होगा तो चैनल है। ठीक है, नॉर्मली देखो चैनल क्या होता है, चैनल देखो हर जगह होता है, टीवी में भी होता है, नहीं होता क्या, है ना, और आपसी रिश्ते का भी चैनल होता है, और एक चैनल ऐसे खींचते हैं तो राइट, जो जालीदार दरवाजा टाइप का लोहे का, वो भी क्या होता है, चैनल होता है। तो चैनल का सिंपल सा अर्थ होता है प्रवाह, फ्लो। प्रोग्राम चैनल होता है तो उसमें प्रोग्राम का क्या होता है, फ्लो चला होता है। और जब आप चैनल को बंद करते हो देखो एक साथ कई हिस्से मूव करते हैं, कई हिस्से क्लोज होते हैं, राइट। तो यहां पर जब भी हम नदी के रूप में चैनल देखते हैं, अगर यह नदी है तो नदी का सबसे गहरा क्षेत्र और जहां जल का वेग ज्यादा होता है उसे रिवर चैनल कहा जाता है, उसे रिवर चैनल, राइट। और पूरी चैनल मॉर्फोलॉजी होती है कि कौन सी चीज कहां पे कितनी कैसे बह रही है। तो यहां सामान्यतः हम देखें कि जल का एक तीव्र प्रवाह चैनल कहलाता है। तो यहां पर नदियां प्रायः चौड़ी होती हैं, तो जहां पर एक चौड़े क्षेत्र में जल का तीव्र प्रवाह होता है उनको हम स्ट्रेट की जगह चैनल टर्म लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे एक चैनल आएगा, यू काटन चैनल, राइट, या स्ट्रेट जैसा ही है लेकिन चौड़ाई के आधार पर यहां के जो ऑफिस वगैरह यहां पर सर्वेक्षण किया चैनल का है। तो ये स्पष्ट हो गई बात, स्ट्रेट क्या है और चैनल क्या है, स्ट्रेट को ही पैसेस कहते हैं। अब आप यहां पर एक टेबल बनाइए, लगभग 7-8 चीजें लिखनी होंगी। एक तरफ लिखिए जल संधि ऑब्लिक चैनल, जो भी मिल जाए ऑब्लिक पैसेस, और एक तरफ लिखेंगे जोड़ती है और दूसरी तरफ अलग करती है, जोड़ती है और अलग करती है। रखना नहीं है चीजों को, बार बार देखना और रिवाइज करना है। जैसे आप हम प्रायः हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसे कभी बैठ के याद नहीं किया गया लेकिन याद है, और कभी मिस हो जाता है तो बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ता है, तभी जाके वो लय मिलती है ना। तो आपको रिवाइज करना होगा इतना ज्यादा कि आपके इसके साथ लय सेट हो जाए। मैप को आप याद नहीं कर सकते, बस आपके जहन में हो, बार बार देखा है, बार बार रिवाइज किया है कि क्वेश्चन देखते ही पीटी में आप आसानी से समझ सके कि हाँ यही होना चाहिए। जब आप बार बार देखोगे तब ठीक होगा, नहीं तो इतने बड़े ही मैप में आपको कुछ नहीं दिखेगा कहाँ क्या लिखा है। तो पहले तो कुछ समय तक आपको मैप को घूरे, धीरे धीरे मैप आपको घूरने लगेगा, बस उसी दिन का इंतजार है ना। बार बार देखें, रोज 10 मिनट सुबह शाम गर्म पानी के साथ, इसको एक औषधि की ही तरह लें, है ना। उससे ज्यादा भी नहीं देखना है, उससे कम भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आप 2.5 घंटे मैप में बैठे हो, कोई गेंद नहीं है, 2.5 घंटे रोज मैप पढ़ने का कोई, और इसका भी गेंद नहीं है कि लेके आप मैप में उसको लोकेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नो नीड। आप अपने एटलस को गंदा कीजिए, बस एटलस में कीजिए जो आपको करना है। हम लोग बड़े क्लासिकल हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल हिंदी मीडियम ज्यादा होते हैं, जैसे लेके अच्छा सा चौड़ा सा मैप बैठेंगे, एक एक नदी खरोच रहे हैं, राइट, 3-4 क्वेश्चन बनने हैं भाई। उसको आप एटलस में ही हर जगह से देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा सा सोच लो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर की नदियों को उसी एटलस में लोकेट कर लो, और जो करंट अफेयर की चीज लिखो वो पेंसिल से लिखो, राइट। जैसे 1-2 साल बाद अगर किसी नकर नहीं होता है तो वाला मिटा करके नया करंट अफेयर लिख सको, है ना, वो तो सबका जाएगा, क्या नहीं पता क्योंकि सीट आएगी 900 तो 2-3 मैच का हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो अपना टाइम मत गवाना, मैं कई बार बच्चों को देखता हूं, फिर उनको निराश नहीं करता, ऐसा करो ठीक करो, कहना पड़ता है बहुत अच्छा भाई, लेकिन धीरे समझाता हूं, ये ना करो तो भी काम हो जाएगा, तो बड़े उदास हो जाते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ करने का। लेकिन मानिए आप सिर्फ एटलस में कीजिए, सिर्फ एटलस। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जल्दी इंतजाम निकाल लेता है, आप देखोगे वो फालतू के नोट ज्यादा नहीं बनाता, एक में ही सारा कबाड़ा किया करेगा, उससे उसका कम हो जाएगा। तो कोशिश करो, लेकिन अगर आपकी इच्छा तो आप कर सकते हो, मेरी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो, इससे कोई फायदा होता नहीं। तो जल संधि चैनल पैसे जोड़ती है और अलग करती है। अब इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं, यहां पर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा देखो क्या लिखा है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। अब यहां पहले देखो, अब ये बता सकते हो किसको जोड़ रही है, समझ गया। अब बात देखो, अब बात देखो, यहां पर एक सागर और होना चाहिए जो नहीं दिया है, यहां होता है चुकची सागर, एक होता है यहां एक सागर होता है चुकची सागर, वो दिया नहीं है यहां पे, अगर दिया होता तो हम उसको देखते। अब ध्यान दो, यहां पर इधर है बेरिंग सागर, दिख रहा है बेरिंग सागर, आप पैसिफिक की तरफ आ गए, आप पैसिफिक की तरफ आ गए, और इधर है आर्कटिक महासागर में क्या है, बेफोर्ट सागर, राइट, अन्यथा यहां पर चुकची सागर, हंस चुके ये लोग, हम लोगों का नाम सुनकर हंसते होंगे, है ना। तो अब आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं, एक बात ध्यान रखना, आप यहां पे दोनों चीजें लिखनी मिल सकती हैं। तो जो मैप में लिखा है वो देखेंगे, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, राइट है। तो जोड़ती है इसमें, यहां पर हो गया बेरिंग सागर और बेफोर्ट सागर, बेरिंग सागर के नीचे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रशांत महासागर, और यहां लिख सकते हो आर्कटिक महासागर। अब इसके बाद ये अलग करती है, अगर देखें तो यह अलग करती है यहां पर, तो ऊपर की तरफ रसिया लिखा है और एशिया, और यह रसिया का साइबेरिया का क्षेत्र है, तो रूस साइबेरिया ब्रैकेट में एशिया, और इधर इधर अलास्का यूएसए और नॉर्थ अमेरिका। हम दो चीजें कह सकते हैं कि यह नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग कर रही है, या नॉर्थ अमेरिका के यूएसए के अलास्का को एशिया के रूस के साइबेरिया से पृथक कर रही है। अब पता नहीं क्या इसमें से पूछ लिया जाए। अब यहां पर 180 का थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, तो 180 का जो क्षेत्र है, सामान्यतः क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से किस जल संधि से
ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि के समीप से गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होगा? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि। आसपास की चीजें भी देखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहला लिखो नंबर 1, बेरिंग जलसंधि, जलसंधि के नीचे लिखो बेरिंग, जोड़ती है बेरिंग सागर, ब्रैकेट में प्रशांत, अलग करती है नहीं उसी में बेरिंग सागर प्रशांत डैश करके ब्यूफोर्ट सागर, ब्रैकेट में आर्कटिक, आर्कटिक जोड़ती है हमें और अलग करती है हमें, यहां पर ऐसे लिखिएगा, साइबेरिया रूस एशिया अलास्का यूएसए और नॉर्थ अमेरिका। बस ध्यान रखो मैप में जितनी सूचनाएं हो वो आपके पास लिखी होनी हो, जिससे कि एक समय के बाद फिर आप अपना नोट्स ही पढ़कर अपना काम पूरा कर सकें। नोट्स इसलिए बनता है कि आगे चल के आप ज्यादा फैले नहीं, इसलिए नोट्स में मैक्सिमम सूचनाएं आपकी आनी चाहिए। तो जोड़ती है बेरिंग सागर से बिफोर सागर, अलग करती है साइबेरिया रूस को अलास्का यूएसए के या एशिया और नॉर्थ अमेरिका के। और एक बात याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समीप से गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद उसी किनारे को पकड़ते हुए नीचे की तरफ उतरें और जहां कोई स्ट्रेट मिल जाए तो आप बताएं, किनारा पकड़ के नीचे से उछलते कूदते आए, कहीं कोई मिले तो बताओ। हाँ, हिकेट जलसंधि मिली, हिकेट। अब हिकेट किसको जोड़ रही है? किसी को नहीं जोड़ रही है। और जब ऐसा न मिले तो आप सिंपल जिस महासागर में हो उसका नाम लिख दें, तो हम सिंपल लिख देंगे यह प्रशांत महासागर की जल संधि है, राइट। देखो इसे नॉर्थ साउथ का कुछ दिख रहा है क्या, कहीं कुछ कोई जली तंत्र में नाम नहीं दिख रहा है। तो पहले लिखो हिकेट जल संधि, यहां दो जल संधि के साथ ऐसा होगा हिकेट, और जोड़ती है हमें सिंपल लिख लीजिए यह प्रशांत महासागर की जल संधि है, जोड़ती हमें लिखेंगे यह प्रशांत महासागर की जल संधि है। फिर अलग करती है हमें देखो क्वीन शार्लो, अब इसे चार लोटे में तोलना, क्वीन शार्लो द्वीप को अलग करती है कनाडा से या ब्रिटिश कोलंबिया से, कुछ भी बोल सकते हो, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का है, अलग करती है क्वीन शार्लो द्वीप डैश कनाडा, आइए कनाडा का द्वीप लेकिन इसे अलग करती। उसी के बाद नीचे आओ स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फुका, जुआन डी फुका अब इसमें भी लिख लो यह प्रशांत महासागर की जलसंधि है, क्यों यहीं तक सुख मिलेगा फिर आगे लिखना पड़ेगा, यह प्रशांत महासागर की जलसंधि है। अब एक बात ध्यान देना, यह जो स्ट्रेट है ना, यह स्ट्रेट इस जगह पे है जहां पर आपको येलो कलर का यूएसए स्टार्ट हो गया, जलसंधि यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यह नीचे है जुआन डी फुका, राइट। तो यह वैंकूवर द्वीप को, वैंकूवर द्वीप को यूएसए और कनाडा दोनों लिखना पड़ेगा कि दोनों से अलग करती है, क्योंकि इसका पानी यहां से बह रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह अलग करती है केवल वैंकूवर द्वीप को यूएसए से, क्योंकि जहां फ्रेजर नदी गिरती है, फ्रेजर नदी, यहां पर एक और स्टेट जैसी संरचना पाई जाती है। तो कई किताबों में लिखा हुआ है कि यह वैंकूवर द्वीप को कनाडा से अलग करती है, तो यह सिर्फ कनाडा से नहीं, वैंकूवर द्वीप को यूएसए ऑब्लिक कनाडा लिख सकते हो। यहां पर लिखो अलग करती है हमें वैंकूवर द्वीप यूएसए को कनाडा, प्राथमिकता यूएसए को देंगे। फिर उसके बाद नीचे चलो, कहीं कहीं कुछ मिले और स्ट्रेट जैसा कुछ लिखाओ, कुछ भी नहीं, करते 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 आप आ गए गल्फ ऑफ पनामा तक, पहुंचे गल्फ ऑफ पनामा, अब तो रास्ता बंद है ना, तो आपको नहर बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप जा नहीं पाएंगे, आपका जहाज रुक जाएगा। अब यहीं पर ध्यान दो, अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये दो स्थल भाग हैं और यह जलीय भाग है, जलीय भाग, अब देख रहे कुछ ऐसा ही हुआ, ये स्थल भाग इधर, ये स्थल भाग और यह बीच में, और इधर यह जलीय भाग। अगर कहीं पर ऐसी सक्रिय भूपट्टी मिलती है, लैंड स्ट्रिप, ऐसी भूपट्टी मिलती है जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है और दो जलीय तंत्रों को अलग करती है, तो यह स्थल संधि या स्थल डबरूमत या स्थमस कहलाती है, जल संधि का उल्टा, जल संधि का उल्टा, ठीक है ना। तो अब यहां पर यह स्थल संधि हो जाएगी, इसलिए हम इसे बोलेंगे पनामा स्थल संधि। ये जो लोकेशन यह पतली से यहां जा रहा है क्षेत्र, यह पनामा स्थल संधि है, और जब पनामा स्थल संधि है तो अगर अब यहां से जलयान जाएंगे तो यहां से जा नहीं पाएंगे, इनको पूरे साउथ अमेरिका का क्या करना पड़ेगा, चक्कर, तो इससे समय भी खर्च होगा, ईंधन भी खर्च होगा, राइट, आर्थिक नुकसान है। तो फिर अगर स्थल संधि को काट कर कृत्रिम रूप में जल संधि बनाई जाती है तो उसे नहर कहा जाता है, वो कैनाल कहलाएगी। तो स्थल जल संधि हमेशा प्राकृतिक होगी, अगर स्थल संधि को काट के बनाई जाती है तो कैनाल कहलाएगी, और यहां जो कैनाल बनाई गई वह कैनाल पनामा कैनाल है, वह कैनाल क्या है, पनामा कैनाल। तो हम पहले सारे स्टेट लिख लेंगे फिर हम कैनाल की तरफ लौटेंगे, क्योंकि कृत्रिम रूप में बनाई गई है, कैनाल है, राइट, इसको हम देखेंगे, और बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है, कैनाल है, लॉक एंड लेक सिस्टम पर आधारित कैनाल है। तो फिलहाल हम इसको समझ लें कि हमने क्रॉस कर लिया, क्रॉस करके जब आप आएंगे अब आपको क्या मिलेगा, यूकाटन चैनल, मिला कि नहीं, यूकाटन चैनल। तो किसको किसको जोड़ रहा है,
मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, है ना। पीछे के मित्रों आप लोग बात समझ में आ रही ना, जोड़ और घट रहा है, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यूकाटन चैनल, ये लिखो यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल जोड़ती है, जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। अब आप अगर यहां देखें तो ये हिस्सा इधर इधर और इधर तीन तरफ से पानी से घिरा है और चौथी तरफ स्थल से जुड़ा है, तो तीन तरफ पानी से और चौथी तरफ स्थल से यह प्रायद्वीप कहलाता है और यह यूकाटन प्रायद्वीप है। ना विश्वास हो तो फिजिकल देख लो उसमें, जब पॉलिटिकल में कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत फिजिकल में उस जगह पर देखने की आदत डालो। लिखा है कहीं यूकाटन पेनिनसुला, तो यह है यूकाटन प्रायद्वीप। तो यह अलग करता है यूकाटन चैनल, यूकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से, क्यूबा पूरा पूरी कंट्री लोग यहां पर क्यूबा से लिखे उसमें, अलग करता है हमें यूकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से। क्लियर। कुछ और को लिखने के पहले एक चीज और देख लें, आज अपने मैप पे भी आप ध्यान दो थोड़ा सा उधर देखना। ये देखो यहां पर बरमुडा है हैमिल्टन, देखो पहले ऊपर बरमुडा हैमिल्टन मिल गया, फिर फ्लोरिडा देखो, ये फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में एक क्षेत्र है मियामी, मियामी मियामी बीच बहुत फेमस है, नेट पे जरा ढूंढना, बरमुडा हैमिल्टन और यह मियामी बीच। इसीलिए फ्लोरिडा का, फ्लोरिडा वाला क्षेत्र जो है ना, यह मोटे तौर पर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में सेटेलाइट लॉन्च सेंटर के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ईस्ट में है, किसी और तुलना में नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में खासतौर पर किसी और की तुलना में इक्वेटर के ज्यादा पास है, तो यहीं पर जाने कैनेडी स्पेस सेंटर है ना। आगे देखेंगे तो ये हुआ मियामी, फिर इसके बाद यहां देखो प्यूर्टो रिको लिखा है, प्यूर्टो रिको में यहां सैन जुआन है, ढूंढो प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको में सैन जुआन मिल गया। क्लास एर्थ में एक निर्मेय पड़ी होगी, निर्मेय शायद भूल गया होगी, कुछ होती थी उसमें लिखा होता था कि तीन असंरेखीय, तो एक रेखा में नॉन लीनियर, तीन असंरेखीय बिंदुओं को मिलाने से एक और केवल एक त्रिभुज बनता है, तो क्या बनेगा त्रिभुज, और यह त्रिभुज है बरमुडा त्रिभुज, शैतानी त्रिभुज, रहस्यमय त्रिभुज, पृथ्वी का ब्लैक होल, अपने आप खतरनाक टाइप का लग रहा है। यह है बरमुडा ट्रायंगल, और इसी, यह देखो यहां एक सागर भी है, सार्गासो सागर, एक लौता सागर है जिसका तट नहीं है, है ना, पानी के बीचों बीच है, नो कोस्ट, नो कोस्ट सी, अद्भुत चीज है यहां पर। अब बरमुडा ट्रायंगल क्यों यहां पर चर्चा में रहा पहले, अब तो नहीं है, 1940 के दशक में यहां कई जलयान और हवाई जहाज जो यहां से गुजरे वो गुजर गए, मतलब फिर वो रिकवर नहीं हुए, गायब हो गए, है ना। एक दो जहाजों को तो कहा गया वो कई सालों बाद वापस आए, अब क्या पता नहीं, अब वैज्ञानिक इसका रहस्य नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां महासागर के अंदर मीथेन के बड़े भंडार हैं और उनसे गैसीय तूफान डेवलप होते हैं, और उन तूफानों में जब कभी एक विशेष प्रकार के बादल, उन तूफानों से जो बहुत ऊपर उठते हैं, हेक्सागोनल क्लाउड बनते हैं, वो हेक्सागोनल क्लाउड सारी चीजों को अपने साथ खींचने की क्षमता रखते हैं, इस तरह के अजीब से क्लाउड बनते हैं और वो चीजों को खींचते हैं, तो मीथेन स्टॉर्म के सहारे व्याख्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बड़ा विश्वसनीय नहीं माना जा रहा है। तो आप नेट पे देखोगे तो और समझ पाओगे। कुछ विद्वानों का कहना है ये सब यूएसए की चाल है, वो अंदर एक प्रयोगशाला रखा हुआ है, वहां एलियन पे प्रयोग करता है, जानबूझ के कुछ समय बाद अपना एक जहाज डुबो देता है जिससे कोई वहां जा ना पाए, है ना। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक यहां की चीजों को सुलझा नहीं पाए हैं, तो इसलिए लोग इस क्षेत्र से जाना प्रायः अवॉइड करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से ऐसी कोई घटना यहां पर हुई नहीं है, विश्व के 10 खतरनाक क्षेत्रों में भी अभी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अतीत के कर्मों के कारण ये जो है अभी भी इस नाम से जाना जाता है, और ये बरमुडा ट्रायंगल है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब आप क्या करेंगे, बैग में कॉपी रखेंगे, उसके अलावा आप जितनी भी स्टेट यहां बाकी बची हैं उनको आप अपनी तरफ से देख के लिखने का प्रयास करेंगे, जब फिर हम अगले सैटरडे को मैपिंग कर रहे होंगे तो फिर हम वो देख लेंगे, वो लिखा करके आगे चीजों पे चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग मंडे को पढ़ेंगे।